अगर आप एक प्यासे इंसान हो तो पॉर्न आपके लिए समंदर का वो पानी है जिसे पीकर आपकी मौत तो हो जाएगी लेकिन प्यास कभी नहीं बुझेगी। 2015 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 10 में से 9 पेरेंट्स, इंडिया वाले पेरेंट्स, ये मानते हैं कि हमारा बच्चा ऑनलाइन जाकर पढ़ाई कर रहा है, लेकिन रियलिटी में वो बच्चा कुछ और ही कर रहा होता है। और एक और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है ना, वो वर्ल्ड में 3rd नंबर पर आता है पॉर्न कंजप्शन में। अब तुम बोलोगे कि गौरव भाई तुम हमको ये सारी बातें क्यों बता रहे हो? वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि क्यों पोर्न देखना गलत है, क्यों ये बहुत ज्यादा एडिक्टिव है, किस तरीके से ये आपकी लाइफ को खराब कर सकता है। आई नो कि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा बोल्ड है और हर एज के लिए सूटेबल नहीं है, तो अगर आप बहुत छोटे बच्चे हो ना तो इस वीडियो को यहीं पर रोक दो, मत देखो। इस वीडियो को आगे अब केवल वही लोग देखे जिनके काम की ये चीज है, जिनके काम की ये इन्फॉर्मेशन है। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज इसको देखने के बाद आई एम डैम श्योर कि आप किसी भी तरीके के गलत वीडियोस को देखने से पहले 100 बार सोचोगे। So, वीडियो को शुरू करने से पहले अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है गौरव कटारे और आप ये वीडियो मेरे 3rd चैनल पर देख रहे हैं जिसको मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है, जहाँ पर हम सिर्फ काम की बात डिस्कस करेंगे, वो बातें डिस्कस करेंगे जिनसे आपकी लाइफ बेटर बन पाए। तो अगर आपके माइंड में कोई भी टॉपिक है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उस टॉपिक को मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना। और इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था जहां पर मैंने पूछा था कि मुझे इन 3 में से किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। सो 78% लोगों ने वोट किया था इस टॉपिक को, हाउ पॉर्न इज डिस्ट्रॉइंग यूथ। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बढ़िया टॉपिक भी कमेंट में आया था, विच वॉज हाउ सोसाइटी डिस्ट्रॉय चाइल्ड्स ड्रीम, मतलब किस तरीके से सोसाइटी और पेरेंट्स मिलकर बच्चों के ड्रीम्स को, उनकी क्रिएटिविटी को खत्म कर देते हैं। तो टॉपिक बहुत अच्छा है, इस पर भी रिसर्च जारी है, इस टॉपिक पर भी हम एक डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। बट पहले बात करते हैं अबाउट हाउ पोर्न इज डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ। स्टार्ट करते हैं आपके ब्रेन से, बिकॉज आपके ब्रेन को ही तो हाईजैक किया जा रहा है। देखो, आज का जमाना ऐसा है कि एक क्लिक पे सब कुछ हाजिर है। आप क्या देखना चाहते हो, कैसे देखना चाहते हो, किस तरह से देखना चाहते हो, बस आपको सर्च करना है, चीज आपके सामने हाजिर हो जाएगी। एंड ऑब्वियसली मैं मूवीज या गानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। और इन सारी गंदी चीजों का जो मेन कंज्यूमर है उसकी एज है 13 से 19 साल के बीच। और अगर इसी एज का कोई बंदा इस वीडियो को देख रहा है और आप इस तरीके के किसी वीडियो से एक्सपोज नहीं हुए हो तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद वहां पर जाकर सर्च मत करना, बिकॉज आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू कीप यू अवे फ्रॉम दोज थिंग्स। तो जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखो, ये एक ब्रेन का स्कैन जिसमें कोई लाइट वाइट नहीं चल रही है, ये एक नॉर्मल पर्सन का ब्रेन है। और ये वाला जो ब्रेन है ना, ये एक पॉर्न एडिक्टेड पर्सन का ब्रेन स्कैन है। यहाँ पर ये जो आपको येलो कलर के जोन दिखाई दे रहे हैं, इससे ही आप एक चीज बात क्लियर समझ लो कि किसी भी तरीके का एडिक्शन आपके ब्रेन पर बहुत खतरनाक इफेक्ट डालता है। वो एडिक्शन चाहे सोशल मीडिया का हो या किसी ड्रग को लेने का या फिर गंदे वीडियोस देखने का, सबका इफेक्ट आपके ब्रेन पर एकदम सेम होता है, बिकॉज यहाँ पर आप वही काम करते हो, बार बार लगातार करते हो जिसमें आपको मजा आता है। आपको मजा आता है, आप रिपीट करते हो, आपको मजा आता है, आप रिपीट करते हो, फिर आपको मजा कम आता है तो आप ज्यादा बार रिपीट करते हो, और इसी तरीके से ये चलता जाता है और आपका जो ब्रेन है वो गलत तरीके से रीवायर होता है। इसी को सिंपल लैंग्वेज में या एक वर्ड में हम एडिक्शन कहते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, किसी चीज में मजा आ रहा है, उसको हम बार बार कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? गलत है आर्टिफिशियल विजुअलाइजेशन। जब आप गंदे वीडियोस देखते हो तो आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हो, किसी पार्टनर के साथ कुछ आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हो, किसी को टच नहीं कर रहे होते हो, किसी के साथ एक्चुअली में आप कुछ नहीं कर रहे होते हो, आप केवल देख रहे होते हो, विजुअलाइजेशन कर रहे होते हो, आप अपने ब्रेन को बेवकूफ बनाकर उसे सिमुलेट कर रहे होते हो। और ये कहा जाता है फेक प्लेजर। आप खुद कुछ नहीं कर रहे लेकिन ब्रेन को आप पूरे वो सिग्नल दे रहे हो जिससे वो प्लेजर हार्मोन्स को रिलीज करे और आपको मजे की फीलिंग दे। जो प्लेजर हार्मोन होता है बहुत से लोग उसको डोपामीन के नाम से भी जानते हैं, और डोपामीन रिलीज होना आपको प्लेजर देता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आप इस गलत तरीके से डोपामीन को रिलीज करते हो तो ये नॉर्मल से 5 गुना ज्यादा रिलीज होता है। और जब आप ये सारी एक्टिविटीज बार बार करते हो तो आपकी बॉडी को हाई डोपामीन की आदत लग जाती है। नॉर्मल वाला जो डोपामीन रिलीज होता है उससे आपके शरीर का काम ही नहीं चलेगा। और जब डोपामीन शरीर में रिलीज ही नहीं होगा, मतलब आप कोई बोरियत भरा काम जब कर रहे होगे, जैसे पढ़ाई करना, किसी चीज पर फोकस करना, तब तो आपकी मौत ही आ जाएगी। आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, किसी से मिलने का, किसी से बात करने का, यहाँ तक कि रियल सेक्स करने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि आपके ब्रेन को तो किसी और चीज में ही हाई डोपामाइन मिलने लगा है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहूं तो आपका जीवन जो है वो झंड हो जाता है।
आप खुद सोचो, जब आप किसी चीज़ पर फोकस करते हो, पढ़ाई करते हो, ऐसे कुछ काम करते हो जहाँ पर डोपामिन रिलीज नहीं होता और आपके शरीर को आदत है इतने हाई डोपामिन पर रहने की, तो कैसे आप इमेजिन कर सकते हो कि आपका मन पढ़ाई में लगेगा, आपका मन अपने काम में लगेगा, या आप किस तरीके से एक पॉर्न एडिक्ट बनके अपने कैरियर पर फोकस कर सकते हो, किसी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो? ये पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह आपकी ब्रेन की वायरिंग रॉन्ग हो जाती है, आपको डिप्रेशन होने लगता है और साथ ही साथ इस पॉर्न देखने के साथ साथ आपको एक और गलत चीज की आदत लग जाती है, विच इज मास्टरबेशन। अब देखो, बहुत सारे लोग आ जाएंगे कि नहीं नहीं मास्टरबेशन तो बहुत अच्छी चीज है, दुनिया भर के आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि मास्टरबेशन के ये फायदे होते हैं, वो फायदे होते हैं। देखो मेरे भाई, ये जो है ना, ये लोग कुछ भी कहें, ये एक टेम्प्रेरी प्लेजर है, ये एक इमेजिनरी प्लेजर भी है। और अगर एक्चुअली में मास्टरबेशन के वाकई में कुछ ज्यादा फायदे होते ना, तो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स जो हैं, एथलीट्स हैं, वो इसको प्रमोट करते, वो नहीं करते ना प्रमोट। मास्टरबेशन के बाद आपको बहुत बढ़िया फील होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग फील होना चाहिए, नहीं होता ना फील अच्छा। सो आर्टिकल्स में क्या लिखा है, लोग क्या बोलते हैं, वो बात अलग है, और जो रियलिटी है ना, वो बात बहुत अलग है। एनीवे, दिस इज द होल डिफरेंट टॉपिक, इसके बारे में डिटेल में हम कभी और चर्चा करेंगे, बट द पॉइंट इज के पॉर्न देखने से एक तो आपको मास्टरबेशन की आदत लगती है, दूसरा आपका हर दुनिया भर के हर काम से मन लगना बंद हो जाता है, आपको सब बेकार लगने लगता है, आपकी लाइफ इससे खराब हो सकती है, बिकॉज लाइफ में आपको किसी भी एक पर्टिकुलर चीज पर फोकस करना बहुत जरूरी है, और जब आपका फोकस एक गलत चीज की तरफ रहेगा, 24 घंटे एक गलत चीज आपके दिमाग में घूमती रहेगी, तो कैसे आप किसी सही चीज पर फोकस कर पाओगे, कैसे आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाओगे। और हमारे यूथ को पॉर्न की तरफ धकेलने में बहुत बड़ा योगदान है हाफ न्यूड रील्स का, ऐसी रील्स जो इंस्टाग्राम पर खुलेआम चल रही है, लेकिन इन्हें देख कर लोग सेड्यूस हो जाते हैं, लोगों को देख कर बड़ा मजा आता है, अरे आधी आधी चीज तो देख ली, चलो पूरी चीज ही देख लेते हैं इंटरनेट पर। तो अगर एक्चुअली में आप इन गलत चीजों के चंगों से बचना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जो हाफ न्यूड कंटेंट है, ये जो वल्गैरिटी को प्रमोट किया जा रहा है, उससे भी आप अपने आप को बचा कर रखो, क्योंकि ये भी आपके फोकस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देती हैं। ये चीजें भी एडिक्शन क्रिएट करती हैं। सोशल मीडिया का एडिक्शन कितना ज्यादा खराब है, वो कैसे आपकी लाइफ खराब कर सकता है, इस पर मैं डिटेल में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, उसे जरूर देखना। तो चाहे एडिक्शन सोशल मीडिया का हो, चाहे एडिक्शन किसी ड्रग का हो, सिगरेट का हो, दारू का हो या पॉर्न का हो, ये सारी चीजें आपके ब्रेन को इस लेवल तक खराब कर देती हैं कि आप कुछ भी ढंग का ना सोच पाते हो, ना कुछ भी सही चीज आप कर पाते हो। और ये जो आपकी एज है, ये एक्चुअली में अपनी लाइफ बनाने की एज है, ये वो एज है जहां पर आपको अपने सुखों को त्याग कर अपने कैरियर को बनाने के लिए अपने काम पर फोकस करना है। लेकिन अगर आप ये फालतू की चीजों के लपेटे में आ गए हो या फिर आ रहे हो, तो अभी भी समय है, रुक जाओ। इन चीजों से बचकर रहने का, या फिर अगर आप इन चीजों को देखते हो तो इनसे दूर रहने का एक बहुत सिंपल तरीका है, डोपामिन डिटॉक्स। हफ्ते में एक दिन या दो दिन ऐसी कोई भी एक्टिविटी मत करो कि तुम्हारे दिमाग को प्लेजर फील हो, अपने दिमाग को बोर करो बैठकर, ना मोबाइल चलाओ, ना सोशल मीडिया देखो, ना कोई मूवी देखो, ना कोई गाने सुनो। आई नो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन आपको केवल ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, आपको केवल बुक्स पढ़नी है, आपको वो काम करने हैं जो आपको बोर करें। सोचो जब आप इस तरीके से अपने दिमाग को फोकस कर लोगे, आपको बोरियत को झेलने में भी नॉर्मल लगने लगेगा। तो सोचो जब आप कुछ भी प्लेजर वाला काम करोगे, एक नेचुरल काम करोगे, तो आपको कितना मजा आएगा। आपको ये सारी एक्सटर्नल चीजें, आर्टिफिशियल चीजें जो विजुअलाइज करा के आपको प्लेजर देती हैं, उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हफ्ते में एक दिन या दो दिन डोपामिन डिटॉक्स करो, या फिर दिन में एक घंटे करो, मोबाइल को दूर रखो, सोशल मीडिया से दूर रहो, अपने ब्रेन को थोड़ा सा टाइम दो, उसे खाली छोड़ो, उसे सोचने का समय दो, वो फिर से अपने आप को रीवायर कर लेगा, वो फिर से अपने आप को रिपेयर कर लेगा। लेकिन आपको अपने विल पावर पर भरोसा होना चाहिए। आप अपने शेड्यूल में चेंज कर सकते हो, अपने दोस्तों को आप बदल सकते हो जो आपको गलत चीजों की तरफ ले जाते हैं, आप जिम ज्वाइन कर लो, आप एक्सरसाइज करो, स्पोर्ट्स को ज्वाइन करो, अपने ब्रेन को बिजी रखो, अपने बॉडी को थका कर रखो, तभी आपको फील होगा कि आप कुछ बढ़िया काम कर रहे हो, आपको अंदर से स्ट्रांग महसूस होगा, यू विल फील गुड। तो हमेशा लाइफ में केवल वही काम करो जिसे करने के बाद आपको फील गुड आए। अगर कुछ भी करने के बाद आपको गिल्ट की फीलिंग आ रही है, गलत काम की फीलिंग आ रही है, कोई भी काम आपको चोरी छुपे करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ ना कुछ गलत तो जरूर है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इससे ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा मैं, नहीं तो तुम लोग बेहोश हो जाओगे। एनीवे थैंक यू सो मच इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है। आई होप कि इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। इसमें जो मैंने बातें बताई आप उसको एक बार इंप्लीमेंट करके जरूर देखोगे। इस टॉपिक पर आपके क्या सजेशंस है, आपकी क्या राय है, किस तरीके से हम इस तरीके की गंदी चीजों का एडिक्शन को और दूर कर सकते हैं अपनी लाइफ से, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि लोग कमेंट्स ज्यादा पढ़ रहे हैं आजकल। वीडियो को देखते देखते भी तुम लोग कमेंट ही पढ़ रहे थे, तो कमेंट में तुम लोग अपने सजेशंस दो, डिस्कशन करो। आई नो इससे थोड़ा सा टाइम खराब होगा, लेकिन यार देखो, गलत चीजों पर टाइम खराब करने से अच्छा है सही चीजों में थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर दिया जाए। सो टेक केयर, गुड बाय, अपना ध्यान रखो, लाइफ में ग्रो करते रहो, मिलते हैं अगले एक और नॉलेजेबल वीडियो में।